स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री से चैप्टर 1 अट्रोफ ऑफ सर्जरी, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। जेम्स हैरियट एक वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। इसमें एक कुत्ता होता है ट्रिकी, जिसका नाम है, और मिसेस पम्फ्रे जो कुत्ते की मालकिन है। मालकिन की क्वालिटी यहाँ पर और थोड़ा केयर टेकिंग बताई गई है। डॉक्टर की एक बैड हैबिट है कि उसको जितना भी खिलाओ वो खाता चला जाता है, चाहे जितना वो छक्का हो, कह सकते हैं एक लैंग्वेज होती है, या जितना उसका पेट भरा हो वो खाता ही चला जाएगा, भले उसे उल्टी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो वो काफ़ी परेशान होता है ट्रिकी, और उसकी मालकिन उसके लिए काफ़ी परेशान होती है। तो स्टोरी पढ़ लीजिएगा, स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है और रियल में मज़ेदार है। फिलहाल क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन अ स्टोरी अट्रोफ ऑफ सर्जरी। दोस्तों ये पिछले साल जो हाई स्कूल का भी एग्जामिनेशन हुआ है करंट ईयर में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड द डॉग, मतलब कुत्ते के प्रति डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था। या पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है नरेटर ने डॉग को कैसे ट्रीट किया है, मतलब कैसे उसका इलाज किया। तो नरेटर कौन है? डॉक्टर। और डॉक्टर कौन है? जेम्स हैरियट। तो जेम्स हैरियट ही डॉक्टर हैं, उन्हीं को नरेटर कहा गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो आइए आंसर देखते हैं। डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विद लव एंड कंपैशन। डॉक्टर जो जेम्स हैरियट है, उन्होंने कुत्ते का इलाज बड़े ही प्रेम और कंपैशन से किया है। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड, और वो ट्रिकी के भोजन को कट डाउन कर देते हैं, मतलब कम करवा देते हैं, और एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब उसका भोजन कम करवा के उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं या उसे करवाते हैं। ही डिड नॉट गिव हिम एनी मेडिसिन, और वह जो है उसे कोई भी मेडिसिन नहीं देते। ये तो वैसे टेंस वाइज देखा जाए तो उन्होंने उसको कोई भी दवा नहीं दी। हम आपको स्टोरी बता रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट वाइज, बट वैसे ये पास्ट में है। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड हिम ट्रिकी वेल, और जेम्स हैरियट हिज स्पेशल, हिज मतलब डॉक्टर हैरियट की जो ट्रीटमेंट है वो मेड हिम ट्रिकी वेल, और वो ट्रिकी को अच्छा कर देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे के पीछे जो है वो कौन सा कारण था जिससे वो कंसर्न अबाउट ट्रिकी, मतलब ट्रिकी को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ऐसी क्या वजह रही है, ऐसी क्या वजह रही है या रही थी जिसको लेकर के मिसेस पम्फ्रे जो है परेशान हो जाती हैं ट्रिकी से संबंधित, अबाउट ट्रिकी। सो ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग फॉर पास्ट फ्यू डेज। जो ट्रिकी है वो पिछले कुछ दिनों से जो है कुछ नहीं खा रहा था। हिज बिहेवियर वॉज टोटली चेंज, और उसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेस एंड बिकेम टू मच लेजी। ही हैड रिफ्यूज्ड, कह सकते हैं कि उसने मना कर दिया था अपना सारा फेवरेट भोजन, यानी कि डिशेस, जो भी उसको चीज़ें पसंद थी उसने उन सभी चीज़ों को खाने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, मतलब वो इतना लाचार हो चुका है कि वो अब कुछ खा भी नहीं पा रहा, उसको खाने भर की सामर्थ्य भी उसके अंदर नहीं बची हुई है। एंड बिकेम टू मच लेजी, और काफ़ी लेजी हो जाता है, काफ़ी सुस्त हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड, और यही सभी चीज़ें जो है उसे चिंतित कर देती हैं। किसे? मिसेस पम्फ्रे को। क्वेश्चन में बताया गया था कि मिसेस पम्फ्रे किस बात को लेकर के, ट्रिकी से संबंधित किस बात को लेकर के परेशान हो जाती हैं। तो इन सभी बातों को लेकर के मिसेस पम्फ्रे जो है परेशान हो जाती हैं कि उसका भोजन को अवॉइड कर देना, सारी फेवरेट डिशेस को मना कर देना, मतलब उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था, वो कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा था, और उसने अपनी सारी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था, और वो बहुत ही लेजी हो गया था। यही सारी बातें हैं कि मिसेस पम्फ्रे परेशान हो गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In the beginning, the household dogs found tricky boring. Why? कहा गया है कि शुरुआत में, या शुरुआती दिनों में भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे डेज का यूज नहीं हुआ है, लेकिन कह सकते हैं शुरुआत में
द हाउसहोल्ड डॉग, मतलब जो उसके साथ रहने वाले जो घरेलू कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, वो ट्रिकी को बोरिंग पाते हैं, बहुत ही थोड़ा आलसी टाइप का, सुस्त टाइप का, या उसको उसके साथ रहना बोर महसूस करते हैं, बोरिंग टाइप का, ठीक है, वाई क्यों ऐसा महसूस करते हैं। तो ट्रिकी वॉज अ न्यू मेंबर ऑफ द हाउस, ट्रिकी जो है न्यू मेंबर है उनके घर का। तो ट्रिकी जो है उनके घर का एक नया सदस्य था। तो जब भी आपके साथ या मेरे साथ कभी भी कोई नया सदस्य आता है तो उसको कुछ दिनों के लिए तो हम उसे बोरिंग सा महसूस करते हैं, उसके साथ अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता जाता है हम उसके साथ अच्छा महसूस करने लगते हैं। सो मोर इवन ही वॉज लेजी टू प्ले विद देम, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही लेजी था उनके साथ खेलने में। देखिए, एक वो उसको बोरिंग क्यों समझ रहे थे, उसके साथ क्यों समझ रहे, क्यों, एक तो वो उनके साथ नया सदस्य था, उनकी गैंग का एक नया सदस्य कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो लोग खेलते थे तो यह बहुत ही लेजी था उनके साथ खेलने में, थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सो ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल देयर, और वह वहाँ पर कम्फर्टेबल भी नहीं था। बट आफ्टर फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रिकी स्टार्टेड इंजॉइंग विद देम, और कुछ दिनों के बाद ट्रिकी ने उनके साथ इंजॉय करना शुरू कर दिया, मतलब मजे लेने लगा, एंड बिकेम अ गुड मेंबर ऑफ द डॉग्स गैंग, और वे कुत्तों के सदस्य का, और वह जो है कुत्तों के सदस्य मतलब गैंग का एक अच्छा सा सदस्य बन गया, गुड मेंबर। तब जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता गया उनके साथ वह खेलने लगा और उनकी गैंग का एक नया सदस्य बन गया। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाई डिड मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स, मतलब कि मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को क्यों ऐंठा, मतलब जब भी कोई आपको डांटता है या कोई ऐसी बात होती है जिससे आप परेशान हो तो आप दोनों हाथ एक पे पकड़ते हैं और ऐंठने लगते हैं, घबराहट सी महसूस जब करते हैं तो उंगलियां ऐसे ऐसे मतलब मरोड़ने लगते हैं या हाथ ऐंठने लगते हैं, कुछ ऐसा कहा गया है कि मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को क्यों ऐंठना चालू कर दिया। तो व्हेन डॉक्टर गेव एडवाइस टू कट डाउन द ट्रिकीज फूड, देखिए जब डॉक्टर ने ट्रिकी के भोजन को कम करने की सलाह दी, मैंने आपको जैसा कि कहानी में बताया है कि जो उनकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे हैं, मिसेस पम्फ्रे, वो ट्रिकी को बहुत सारा भोजन खिलाते हैं, उनका मानना है कि मेरा कुत्ता कहीं भूखा ना रह जाए, कहीं कुछ मतलब थोड़ा ओवरटेकिंग कह सकते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे तो कुछ नहीं कराती थी, बस खिलाती रहती थी। स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, जैसे हॉर्लिक्स बच्चों को दिया जाता है ना, तो वो हॉर्लिक्स है, माल्ट है, विटामिन है, मतलब कह ही नहीं सकते। आप जब स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कोई कुत्ते के लिए ऐसा कर सकता है, कुछ मतलब से ज़्यादा वो खिलाती थी, जिसकी वजह से वो गोल मटोल हो गया था, बिल्कुल एक पकौड़े की तरह, कि एक पकौड़े में चार सेक लगा के खड़े कर दो तो जैसा वो पकौड़ा दिखता है ना, गोल मटोल, फूला फूला है ना, मिर्च वाला पकौड़ा, ध्यान करिएगा अभी मार्केट जाइएगा तो लीजिएगा, हरे मिर्च का जो पकौड़ा होता है सेम टू सेम गोल मटोल वैसे ही हो गया था, मतलब गर्दन पैर सब उसके जा करके एक ही में मैच कर रहे थे, बस थोड़े थोड़े दिख रहे थे, एक सिंक लगी हुई तरह, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और फनी भी है, स्टोरी को पढ़िएगा जरूर आप लोग अगर नहीं पढ़े। तो सी डी नॉट एग्री विद हर विद हिज एडवाइस, सो वह जो है उनकी एडवाइस से एग्री नहीं होती, सहमत नहीं होती है, उसका मानना है कि वो अपने कुत्ते का भोजन कम नहीं करेगी, डॉक्टर ने कहा है उसका भोजन कम कर दो, लेकिन उसका मानना है कि वो भोजन कम नहीं करेगी क्योंकि उसका कुत्ता वीक है, कमजोर है, चल नहीं पा रहा है, हाफ रहा है, लेकिन पम्फ्रे को ये नहीं पता कि इतना सारा खिला दिया है, इतना सारा खिला दिया है, आप खुद ही सोचिए अगर किसी को हम इतना सारा भोजन खिला दें कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग हो जाए ना, तो वो उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, सीधा लेट जाएगा, तो वैसी कंडीशन उसकी थी। लेकिन मिसेस पम्फ्रे को इस कुछ दिख ही नहीं रहा था, वो उसको इतना प्यार करती थी तो वो कहती थी कि नहीं ये खाने की वजह से नहीं हुआ, ये कमज़ोर है इसलिए ये हिल डुल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब एक्सरसाइज आप खूब करिए और उसी के हिसाब से खाइए तो आप हेल्दी रहेंगे, सिर्फ खाते चले जाएँ कुछ कार्य ही ना करें तो आप तो लेजी हो जाओगे, फैट बढ़ जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, वही हालत कुत्ते की थी। शी थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी वुड बी वीकेंड, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी जो है मतलब उनका कुत्ता, ये ट्रिकी मतलब है उसके कुत्ते का नाम है, जो बहुत ही कमजोर हो गया है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर वॉज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, उन्हें जो है
क्या एक्सेप्ट, मतलब कॉल कहाँ से आने की उनको एक्सेप्ट की, मतलब उन्हें क्या आशा थी कि कॉल कहाँ से आएगी, मतलब ये कह सकते हैं कि वो कॉल के आने का वेट कहाँ से कर रही थी, क्या क्या सोच रही थी, कॉल आएगी कहाँ से कॉल आएगी, आप ये बताएं। तो देखिए मिसेस पम्फ्री जो थे पम्फ्रे, वो कहाँ से कॉल क्या एक्सेप्ट कर रही थी, तो वो हॉस्पिटल होता है क्योंकि जेम्स हैरियट उसको बोलते हैं कि इसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, भर्ती कराना होगा। सो सी वॉज वेटिंग द कॉल, वो कॉल का वेट कर रही थी फ्रॉम द हॉस्पिटल। फिलहाल ये आपका मेन आंसर तो हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया, फ्रॉम वेयर, कहाँ से उन्हें आशा थी कॉल के आने की, तो उन्हें हॉस्पिटल से आशा थी कॉल के आने की। सो सी वॉज सजेस्टेड, उन्हें सलाह दी गई थी, सुझाया गया था दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसे जो है हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, मतलब भर्ती कराना होगा फॉर सम डेज। कुत्ते को अगर वो भर्ती करा देते हैं कुछ दिनों के लिए तो वो अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे 5 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर के। अगले क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में आपको देंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर हम देंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल जगत क्लासेस काकराबाद। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।